रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्शजे हैं। चारित्र मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। गेही पे गृह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। नगर नार को प्यार यथा कादे में है ममल। धर्मात्मा सम्य दृष्टि जीव घर में रहते हुए भी यदि सम्यक दृष्टि है, सम्य दर्शन सहित है, सम्मित के गुणों से युक्त है, तो ध्यान रखना विशेष रूप से सम्यक दृष्टि जीव चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से चारित्र ग्रहण नहीं भी कर पाता है। ध्यान रखना, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से चारित्र ग्रहण नहीं भी कर पाता है तो भी वह जीव देवों के द्वारा पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है। वो गेही पे गृह में रचे जीव जलते जैसे जल से भिन्न कमल होता है, इसी तरह से जल में होता है पर जल से भिन्न रहता है, कीचड़ से उत्पन्न होता है पर कीचड़ मस्त नहीं होता, ऐसा ग्रस्त श्रावक भी। ध्यान रखना विशेषता है ग्रस्त श्रावक की, क्या ग्रस्त श्रावक की विशेषता है ध्यान रखना, कि ग्रस्त श्रावक घर में रहते हुए भी, घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी अपनी घर गृहस्थी क्रिया करता है पर आत्मा पर ध्यान देता है। ध्यान रखना, आत्मा पर दृष्टिपात पड़ता है, आत्म कल्याण पर दृष्टिपात करता है और उसको कोई प्रयोजन नहीं होता किसी से, मस्त नहीं होता, व्यस्त नहीं होता। दृष्टांत दिया हमारे आचार्य ने, जैसे सोना कीचड़ में पड़ा होता है फिर भी शुद्ध होता है, वो क्या कीचड़ में होता है पर फिर भी शुद्ध होता है, सोना सोना है। ऐसे ग्रस्त सम्यक दृष्टन सम्यक दर्शन के साथ ग्रस्त हो चाहे साधु हो, इसलिए हमारे आचार्य ने एक निवेदन किया स्वयं के लिए, भक्तों के लिए दिया, श्रावकों को दिए, श्रोताओं को दिया, भरम नरक वासोपि सम्यक्तेन समायता ना तो सम्यक् हीनस्ते निवासो दिविराजते। भगवान सम्यक दर्शन के साथ, आपकी भाषा में कहते हैं श्रद्धा के साथ, सम्यक दर्शन के साथ नरक में जाना श्रेष्ठ है, नरक के दुख सहना श्रेष्ठ है, पर सम्यक से रहित होकर के हमें स्वर्ग में देवियों का सुख नहीं चाहिए, संसार का सुख नहीं चाहिए। आपकी भाषा में शुद्ध भाषा में कह दें, धर्म के साथ मरण स्वीकार है, धर्म से रहित होना जीना श्रेष्ठ नहीं है, पापी बनकर के जीना श्रेष्ठ नहीं है, धर्मात्मा बनकर के मरण श्रेष्ठ है। जीवन तो भी मृता गया धर्म ही नहीं मानवा, क्या धर्म संयुक्त तो यह मत चा जीवता। आचार्य महाराज सकल की तिवारी लिखा कि धर्म से रहित होने पर व्यक्ति धर्म से रहे तो जीवन तो भी मृता गया, मृतक के समान है, और जिसके पास धर्म है वो मर करके भी अमर हो जाता है, कि उसके पास धर्म था तो धर्म को, जब धर्मात्मा होता है व्यक्ति तो कोई मर भी जाता है तो मर, जैसे अभी उदाहरण के लिए अभी आपके पंचवलती का शिलान्यास की चर्चा चल रही, मंदिर की चर्चा चल रही, जिस उन्होंने दान दिया, बोली लगाई, अभी एक सूचना और हम देंगे अध्यक्ष महोदय को, शुभ सूचना अच्छी वाली। ध्यान रखना, दान देने वालों ने आज दान बोला, त्याग किया, और कुछ होता कदाचित किसी अशुभ कर्म को जैसे उनका कुछ होता है तो मालूम लोग क्या कहेंगे, कितना अच्छा था, कितने बढ़िया भाव से गया, चलो दान देकर तो गया कम से कम, क्या कहेगा, बोली बोल कर गया। और कोई कंजूस हो, दान नहीं करता हो, तो मालूम क्या कहते हैं, भैया अच्छा चलो गो, उसे कहां मिलत तो अपन को, कुछ मिलने तो थोड़ी ना, मिल नहीं रहा था, है ना, विश्वास करना। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था संभवतः कि अच्छा काम करो, क्या करो, अच्छा काम। अच्छा काम का मतलब है धर्म का काम, धर्म का काम करते रहो, कभी बुरा काम सोचो ही नहीं, पाप सोचो ही नहीं। ये मनुष्य पर्याय जो मिलती है हमें बड़े दुर्लभता से प्राप्त होती है, बड़े दुर्लभता से प्राप्त होने, हम विषय भोगों में लगा दें, संसार क्रियाओं में मस्त हो जाएं, संसार की बातों में लग जाएं, या हम आपकी चर्चा करने में लग जाएं। कई बार अपन देखते हैं लोगों का मन अशुभ में ज्यादा लगता है, किसमें लगता है, अशुभ में ज्यादा लगता है, किसी की बुराई करने बैठ जाओ, किसी की निंदा करने बैठ जाओ, अपन कोई भी कथा करने बैठ जाओ, व्यर्थ की चर्चा करने बैठ जाओ तो अपना अशुभ में मन लगता है, शुभ में मन कम लगता है। और जब तत्व की चर्चा करो, अभी जैसे मान लो धान के लिए मैंने एक दिन अभी सिरसागंज में या मैनपुरी में कहीं था, तो मैंने वहां कहा था कि आज जो संभवतः करहल में भी कहा था ये बात कि जितनी माताएं, क्योंकि महिलाएं बहुत आती थी, पुरुष थोड़ा कम थे, तो मैंने एक बात कही थी, अपने अपने घर में जाकर सूचना दे दो कि कल सुबह 9:45 बजे अपने यहाँ सुबह टाइम भर पेट में अच्छा आइटम नाश्ता की व्यवस्था है, क्या कर दो, उसमें हमने मेनू दे दिए, 100 ग्राम जलेबी, 100 ग्राम पकौड़ी, भजिया पकौड़ी क्या बोलते हैं आप लोग, और इडली डोसा भी साथ में है नाश्ते में, और थोड़ी थोड़ी दो दो तीन तीन पीस काजू कतरी, क्या, और गर्मी का मौसम है तो मैंने कही आइसक्रीम बढ़िया वाली शुद्ध वाली,
व्यवस्था है, और फिर देखना कितने लोग आते हैं। कितने आएंगे भैया अरुण जी हैं बताओ, ज्ञानी अजय जी दुकान में बैठे हो, लोग कैसे भी हो, कहीं भी हो, कितने व्यस्त हो, कितने मस्त हो, विश्वास करना ज्ञानी, खाने वालों की कमी नहीं रहेगी, जिनवाणी वालों की कमी रह सकती है, पर यहां पर जिनवाणी सुनने के लिए ज्ञानी लोग आते हैं, खाने वाले रह जाते हैं। जिनको अपना कल्याण करना होता है वो यहां होते हैं, जिनको कल्याण नहीं होना। एक दिन एक बार कोई व्यक्ति बोला मुझसे, बोले महाराज एक काम किया करो आप। मैंने कि क्या? बोले नाश्ता दिया करो, नाश्ता दिलाया करो, दिया करो मतलब दिया लाया करो। मैंने किससे? बोले कमेटी वालों से। मैंने क्यों? बोले नाश्ता दिलाओगे तो लोग यहां आएंगे। किसी गांव की बात है, शहर की बात? बोले नाश्ता के लिए लोग आ जाएंगे। मैंने कहा नाश्ता के लोभ में प्रवचन नहीं करूंगा ना सुनाऊंगा, क्योंकि जो मेरे नाश्ता के लिए प्रवचन सुनने आएगा वो प्रवचन नहीं सुनेगा, वो नाश्ता पर ध्यान लगेगा। कब महाराज प्रवचन छूट रहे हैं, कितनी जल्दी छूट रहे हैं। अथवा कुछ ऐसे भी होंगे, ऐसे भी मैंने देखे लोभी खाने वाले, जो खाएंगे मैंने नाश्ता प्रवचन नहीं सुनने आएंगे, सीधे नाश्ता के टाइम आ जाएंगे, पूछ लेंगे समाचार, भाई साहब प्रवचन छूट गया महाराज का क्या क्या। तो मैंने कहा मैं नाश्ता के लोभ में लोगों को नहीं बुलाता हूं। नाश्ता करता है व्यक्ति, पेट खराब हो सकता है, नाश्ता करता है मात्र वर्तमान की पर्याय चलती है, पर मैं तो जिनवाणी का भोजन कराता हूं जो प्रभाव में भी जाता है। क्या? जिनवाणी का भोजन कराता हूं मैं नाश्ता के लोभ में नहीं, मुझे नहीं देना नाश्ता। नहीं आए चाहे चार व्यक्ति आए चाहे एक व्यक्ति आए, और विश्वास करना जब वहां देखा, क्योंकि जो नहीं आते तो उनकी सलाह ऐसी रहती है। फिर मैंने देखा बिना नाश्ता दिए, बिना लोभ दिए, बिना प्रलोभन दिए, विश्वास करना हॉल भरता था पूरा। बोले महाराज क्या हो गया? मैंने ये मेरी जिनवाणी का भोजन का कमाल है, मैंने मेरे नाश्ता का कमाल है। तुम्हारा नाश्ता में तो हो सकता है मान लो तुमने पोया बनाया या इडली डोसा बनाई, और राजीव भैया हलवाई, हलवाई ना खुद बनाते हो कि नहीं बनाते कुछ आइटम? आलोक बनाता है, आलोक अच्छी इडली डोसा बना देना, लेकिन एक काम करना 27 तारीख को बढ़िया भोजन बनाना, उसमें नमक मत डालना। क्या? 27 फरवरी को दीक्षा दिवस में अच्छा भोजन बनाना, पर एक काम करना नमक मत डालना, फिर देखना ये बनिया। पहले बात तो कुछ खाएंगे नहीं, नमक डाल डाल के खाएंगे, और न खा के भी आ जाएंगे कथनचित थोड़ी नमक कम में तो बाहर बुराई करेंगे, अरे भैया उन्हें नाश्ता तो दो पर कहा बताएं स्वाद नहीं तो कहीं नमक नहीं डालो। नमक डालना भूल गया ऐसा नहीं कहेंगे, नमक नहीं डाला। विश्वास करना नमक में कमी बता जाएगा, पर जिनको कल्याण करना है वो प्रताप सिंह जैसे ज्ञानी हमारी प्रशंसा करेंगे, जिनवाणी की, भगवान की प्रशंसा करेंगे, गुरु की प्रशंसा करेंगे वास्तव में। क्योंकि नाश्ता तो खराब लग सकता है, नाश्ता की लोग बुराई कर सकते हैं, पर जिनवाणी की बुराई पापी ही होगा तीव्र विशेष, वही करेगा। भले सुनने नहीं भी आता होगा तो जिनवाणी की बुराई नहीं करेगा, यही कह के जाएगा। क्या कहते तो भैया घर में पूछते हैं? बोले महाराज ने, जैन महाराज ने अच्छा प्रवचन किया। अच्छा क्या है? यही प्रशंसा है। क्या है? यही प्रशंसा है। अच्छा लगना यही प्रशंसा का है। इसलिए हमारे आचार्य ने दिया, ध्यान रखना कि वर्तमान के नाश्ता के चक्कर में मत रहो। क्या? नाश्ता के लोभ में नहीं रहो। कई बार हमसे लोग जब शाम को क्लास लेते हैं, और शाम को क्लास में जब बात आती है तो हमसे लोग कहते हैं, बोले महाराज शाम को प्रश्न मंच किया करो। हमने पर क्या होगा? बोले आप, हम पुरस्कार ला देंगे। क्या ला देंगे? पुरस्कार। तो पुरस्कार से बच्चे ज्यादा आ जाएंगे। मैंने कि नहीं, मैं पुरस्कार देकर के लोगों को नहीं बुलाता, पुरस्कार देकर लोगों को नहीं बुलाता। बिना पुरस्कार के जो आए वो पक्का होता है, और जो पुरस्कार देकर आता है वो कच्चा होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता। जब तक पुरस्कार मिलेगा तब तक आएगा, पुरस्कार लेना बंद हो जाएगा तो मैं बचूंगा, माई बाला बचेगा। क्या? तो मैंने कि पुरस्कार देकर नहीं, मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार। अभी जब कभी वो से लोग बोलते हैं, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो दुकान चलने लग जाए, महाराज आशीर्वाद दे दो ऐसा हो जाए, मैंने कि इसके लिए आशीर्वाद मत मांगो मुझसे, मुझसे मांगो महाराज आशीर्वाद दे दो मैं सुखी रहूं। और गुरु से मांगने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती भैया, विश्वास करना जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है तो सब काम सफल हो जाते हैं, कुछ कहना नहीं पड़ता। बस श्रद्धा होना चाहिए अंदर, तुम्हारी भावना होना चाहिए, तुम्हारे अंदर निर्मलता होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए,
दिखावा ना हो, विश्वास करना क्या नहीं, दिखावा ना हो, समर्पण भाव अंदर से श्रद्धान होता है, जब श्रद्धान के साथ समर्पण होता है तो फिर कोई चीज मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आओ में फिर क्या कमी है, और कमी रहेगी भी तो आप, मैं तो कहता हूँ कभी किसी की कमी आए आप तो आप नेमिनाथ भगवान के चरणों में, आदिनाथ भगवान के, दोनों अपने प्राचीन भगवान हैं, उनके चरणों में प्रार्थना कर देना और भगवान से प्रार्थना करना, भगवान आपके रहते हुए, क्योंकि एक बेटा है और बेटे का पिता बड़ा आदमी हो। सुभाष जी लड़के हैं नहीं तुम्हारे, लड़का लड़का यहाँ है दुकान पे, चलो कोई बात नहीं, अच्छा दर्शन करके चला गया। लड़का के पिताजी कोई भी हो, एक दस भाई एक आप ले लो, आप ले लो जो भी ले, किसी के लड़का पिता, लड़का पिताजी बड़े आदमी हैं और लड़का कुछ नहीं करता, और लड़का के रहते हुए यानी पिता के रहते हुए क्या लड़का भूखा रह सकता है, परेशान रह सकता है, और परेशान यदि होता है तो वास्तव में मालूम लड़के को लोग दोष कम देंगे, पिताजी को दोष देंगे, क्यों देंगे बताओ भैया, पिताजी को दोष क्यों देंगे बोलो ना, सबको तो वही लड़कियों को ऐसे रख रहे हैं, पिता को गाली देंगे लोग, तो भगवान से कहते हैं भगवान आप तो हमारे परम पिता हो, आप तो सबका ध्यान रखते हो और मैं आपका भक्त हूं, आप मुझ पर ध्यान नहीं रखो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, विश्वास करना ज्ञानी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान के रहते हुए परम पिता के रहते हुए और मैं परेशान हूं। एक गांव पति जो होबे सो भी दुखिया दुख होबे, तुम तीन भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। क्या कहता भक्त, भगवान एक ग्राम पति, गांव का पति, सरपंच वो होता है, जनता के दुखों को हरता है, दुखों को दूर करने का प्रयास करता है, तो आप तो तीन लोक के पति हो, कौन हो, तीन लोक के पति हो भगवान, और आप मेरे दुखों को नहीं हरो, ऐसा तो असंभव है। आप मेरे, हमारे आचार्य महाराज ने बादीप सिंह सोनी ने, बादीप सिंह स्वामी ने, बादीराज स्वामी ने एक ही भाव स्त्रोत्र में एक सूत्र दिया, ज्योति रूपम द्रुत निभिया ध्वंस भी ध्वंस को हेतुम त्वामे बाहुर जिन भर चिरम तत्वा त्रिवक भक्ता चेतो बासे मुस्पजरस पादमोद्भासमानिस तस्मिन्ना। आचार्य महाराज कहते हैं कि भगवान आप ज्योति रूप हो, केवल ज्ञान स्वरूप हो, ज्योति रूपम द्रुतिवध्वंसे तुम, हे प्रभु आप ज्योति रूप या संसार के अंधकार को दूर करते हैं, ध्वंत विध्वंस है तुम, मोह अंधकार को, मिथ्या अंधकार को दूर करते हैं, ध्यान रखना, हे प्रभु आप अंधकार के नाशक हैं, आप संसार के अंधकार को नष्ट करते हैं, मिथ्या अंधकार को नष्ट करते हैं, और आप मेरे अंदर विराजमान हो, क्या करें, आप मेरे अंदर विराजमान हो तो आप मेरे अंदर पाप रूपी अंधकार को कैसे देख सकते हो, कैसे नष्ट नहीं करोगे, नियम से करोगे करोगे, ध्यान रखना ज्ञानी, एक सूर्य का प्रकाश है, सूर्य उत्पन्न होता है, सूर्य होने पर जब प्रकाश होता है अंधकार दूर हो जाता है, तो मेरे घर में जब सूर्य हो, ध्यान रखना, जो ऊपर सूर्य दिखता है पूर्व दिशा वाला, उसके होने पर ये अंधकार बाहर का दूर हो जाता है, तो जिसके घर में सूर्य उदय हो तो क्या उसके घर में अंधकार रह सकता है, ऐसे भगवान आप तो तीन लोक के सूर्य हो, आप तो जगत के अंधकार को दूर करते हो, तो आप तो मेरे हृदय में विराजमान हो, तो मेरे हृदय में पाप रूपी अंधकार रह जाए ऐसा संभव नहीं है। आपके रहते हुए ये भगवान के प्रति आस्था है, भगवान के प्रति समर्पण है, ध्यान रखना कि भगवान के रहते हुए मुझे ऐसा हो जाए नहीं, नहीं हो सकता, पर एक कब होगा, जब श्रद्धा आपकी निर्मल होगी, कब होगा, जब श्रद्धा निर्मल होगी, जैसे हमारे आचार्य बादीराज स्वामी ने ही उसी में एक काव्य दिया, प्रागव्ये हतृद्भवना देशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनक मयताम देव दिन्ने तु इदम् ध्यान द्वारम मम रुचिकरम शांत गेहम प्रविष्टस तत्किम चित्रम जिन्वपुरदम इस वर्ण करोसी। मालूम क्या लिखते हैं भगवान, जब आप इस पृथ्वी पर आए, देखना पंचकर्णक होगा, होगा कि नहीं, क्यों क्या नहीं, पंचगण होगा ना,
अरुण जी तो कुछ कह ही नहीं रहे। तो जी ऐसे क्यों, अच्छे से? हाँ महाराज बढ़िया होगा। अरे ऐसे होगा, विश्वास करना, आसपास के गांव के लोग देखते रहेंगे ऐसा पंचगढ़ हुआ तुम्हारा, देखना। एक बात बताऊं, अभी सुबह सुबह मेरे पास एक ज्ञानी आया, अभी नहीं बता रहा हूं, और ऐसी भावना व्यक्त की मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। मैंने वास्तव में ऐसे लोग अराव में हैं। अरे सुनो ज्ञानी, ये अभी नहीं बताओ, अध्यक्ष महोदय को बता दो, फिर सस्पेंस नहीं रहेगा, अभी नहीं बताना, हम बताएंगे आपको। क्यों? मैं कह रहा हूं गारंटी से, नोट कर लेना, जब श्रद्धा सच्ची होती है तो कोई भी काम अधूरा नहीं होता है। जब श्रद्धा अच्छी होती है, विश्वास करना, कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। जब श्रद्धा होती है और धर्म होता है, कोई समुद्र में भी गिरा दे, छोटी सी लकड़ी के सहारे व्यक्ति तैर करके पार हो जाता है। श्रद्धा अच्छी होती है तो व्यक्ति अग्नि में भी कूद जाता है तो भी अग्नि जलाती नहीं है, बल्कि अग्नि का नीर बन करके पानी में खिला देता है।